जय हिंद दोस्तों, आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही बड़ी भर्ती है। आपका जो पे लेवल है दोस्तों डायरेक्ट 8 से स्टार्ट होगा, यानी कि 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक आपकी जो है वो सैलरी हो सकती है। तो दोस्तों ये जो भर्ती है वो है अपर निजी सचिव, यानी कि दोस्तों हम इसको शॉर्ट में स्टेनोग्राफर या फिर दोस्तों निजी सचिव, निजी सहायक, काफी सारे नामों से इसको हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए जो आपके लिए तिथि है वो 18 जुलाई 2024 से 7 अगस्त 2024 तक है, यानी कि 7 अगस्त 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में, ये कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं और टोटल कितनी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों वैकेंसी यहां पर टोटल 99 है, क्योंकि दोस्तों यहां पर वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो इतनी ही वैकेंसीज में आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय में है, ओके, और भूतपूर्व सैनिक के लिए दोस्तों 4 वैकेंसीज हैं, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पदनाम, मैं आपको बता चुका हूं अपर निजी सचिव का, विभाग है उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। टोटल पदों की संख्या 99 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 4 जो वैकेंसीज हैं वो रिजर्व है। वेतनमान है दोस्तों आपका 47,600 रुपए से 1,51,100 रुपए तक। पे लेवल है आपका 8। उसके बाद में दोस्तों ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज हैं, तो इसमें दोस्तों आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आना जरूरी है। अगर आप दोस्तों हिंदी की जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट देते हैं आंसू लेखन में, तो आपका जो स्पीड है वो 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में आपके लिए 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड से आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप अंग्रेजी अंशुलेखन यानी कि अंग्रेजी शॉर्ट हैंड को चुनते हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो 100 शब्द प्रति मिनट और 9,000 जो है वो डिप्रेशन प्रति घंटा आपकी अंग्रेजी में स्पीड होनी चाहिए। आयु सीमा दोस्तों आपकी जो है वो 21 वर्ष से 42 वर्ष है, और इसमें दोस्तों 3 वर्ष की एक्स सर्विसमैन के लिए छूट दी जाएगी। तो वो किस प्रकार होगी वीडियो में आगे हम आपको बता देंगे। इंडियन आर्मी का स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट भी इसमें मान्य होगा, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों आयु सीमा, पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि को कम करने की अनुमति दी जाएगी, यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के नियत निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो, तो समझा जाएगा कि वह उच्च आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है। यानी कि आपकी जितनी भी एज है उसमें से आप अपनी सर्विस को माइनस करके उसमें से 3 साल और माइनस कर दें, तो जो आपकी एज निकल कर आएगी तो वो दोस्तों 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके लिए आर्मी स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो दोस्तों वैसे जो वैकेंसीज हैं ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका पे लेवल 8 है, ओके। लेकिन ऐसे पूर्व सैनिक जो मैट्रिकुलेट हों यानी कि 10वीं क्लास पास हों और उनके पास में इंडियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन हो, तो वो इस भर्ती में और 15 साल की जो है वो अपनी सेवा पूरी कर चुके हों किसी भी आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में, तो उनके लिए आरक्षित सिविल पदों के समूह गा की उन सेवाओं वाले पदों के लिए अर्ह माना जाएगा जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक हो। ऐसी कोई भी भर्ती जिसमें दोस्तों स्नातक मांग रहे हैं, तो आपके पास में अगर इंडियन आर्मी का स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो और आपने 15 वर्ष की जो सेवा है वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में पूरी की हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मतलब कोई भी वैकेंसी में आप 10th क्लास होके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। तो इनकी जो वेबसाइट है वो है ये psc.uk.gov.in पे आप जाएंगे, यहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट और इस वेबसाइट पर अवेलेबल है ये नोटिफिकेशन। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।